हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस इस वीडियो में हम एथ क्लास हिस्ट्री एन सी आर टी के चैप्टर नंबर थ्री रूलिंग द कंट्री साइड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या क्या दिया गया है रायट महल और राइट हैंड साइड में विलेज पिजेंट कल्टिवेशन ऑन राइट्स लैंड कल्टिवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड अब देखिए स्टूडेंट्स जो राइट होता है राइट का मतलब होता है उस समय पर क्या होता था ये जो ब्रिटिशर होते थे ये जमीनों पर कब्जा कर लेते थे फिर उस जमीन पर काम करने के लिए किसानों को दे दिया करते थे जिन्हें हम पिजेंट कहते थे तो रायट मतलब जो कि दूसरों की जमीनों पर काम करते थे फिर है महल महल का रिलेशन है विलेज से तो महल के आग आगे आप लिखेंगे विलेज उसके बाद है निज निज का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की जमीन पर खेती करता है उसको निज कहते हैं तो नीचे के आगे हम लिखेंगे कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड और रयोटी का मतलब होता है जब कोई राइट्स की जमीन पर खेती करता है यानी कि वो खुद की जमीन नहीं होती थी तो रयोटी के आगे हम लिखेंगे कल्टीवेशन ऑन राइट्स लैंड्स अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट में हमसे कहा गया है ग्रोअर्स ऑफ व्हाट इन यूरोप सो डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग्स यानी कि यूरोप में जो वोट के जो ग्रोवर्स थे जो वोट प्रोड्यूसर्स थे तो उनको किस चीज़ में ये कंपटीशन लगा कि ऐसी क्या चीज़ आ गई थी जिनकी वजह से यूरोप में वोट प्रोड्यूसर्स को ये लगा था कि उनकी कमाई पर उनकी अर्निंग पर फ़र्क पड़ सकता है उनके कंपटीशन में कौन आ गया था तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इंडिगो यानी इंडिगो आने से यूरोप के जो वोट प्रोड्यूसर्स थे उनको लगा था कि अब उनके कॉम्पिटिशन में कोई आ गया है जिससे उनकी अर्निंग्स पर फ़र्क पड़ेगा इसके बाद बी पार्ट है द डिमांड फॉर इंडिगो इनक्रीज इन रेट एटीन सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ डैश यानी कि एटीन सेंचुरी के अंत में ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ गई थी तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि फैक्ट्रीज लग रही थी प्रोड्यूस प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और इस इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रेट एटीन सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ गई थी इसके बाद सी पार्ट है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ डैश यानी कि फिर उसके बाद ऐसी क्या चीज आ गई जिससे कि इंडिगो की डिमांड में कमी आ गई वो भी इंटरनेशनल लेवल पे तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सिंथेटिक डाइज यानी कि अब केमिकल से बनी हुई डाइज आ गई थी जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो रही थी नील की खेती की डिमांड कम हो रही थी तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सिंथेटिक डाइज इसके बाद डी पार्ट है द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट डैश यानी कि जो चंपारण मूवमेंट हुआ था वो किसके विरुद्ध किसके अगेंस्ट हुआ था तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इंडिगो प्लांटर्स यानी नील की खेती करने वालों के विरुद्ध ये चंपारण मूवमेंट हुआ था इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट यानी जो परमानेंट सेटलमेंट बनाया गया था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसके क्या मेन फीचर्स थे तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट फर्स्ट पॉइंट द राजाज एंड वर तर्कदारिकोगनाइज एज जमींदार्स यानी कि जो राजा और तर्कदार होते थे इनको फिर जमींदार माना जाने लगा जमींदार कहा जाने लगा Second point, पॉइंट were responsible फॉर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम peasants एंड पेइंग revenue टू द कंपनी और अब ये जो राजा और तड़कोदार होते थे इनकी क्या जिम्मेदारी होती थी इनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि ये किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा जो भी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा वो सारा रिवेन्यू वो सारा प्रॉफिट कंपनी को दिया जाएगा यानी वो सारा पैसा ब्रिटेन जाएगा थर्ड पॉइंट रिवेन्यू डिमांड डिमांड वॉज परमानेंटली फिक्स्ड और इसमें एक फिक्स अमाउंट इनको बता दिया जाता था कि भाई तुमने इतना अमाउंट टैक्स के रूप में लेना है और इतना अमाउंट तुम्हें हमें देना हमें देना पड़ेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ वॉज द महलवाड़ी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि महल का मतलब होता था विलेज तो ये जो महलवाड़ी सिस्टम था और जो ये परमानेंट सेटलमेंट बाद में लाया गया इन दोनों में क्या डिफरेंस था ये हमें बताना है तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ऑन On the वन हैंड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द revenue was डिटरमाइंड एज पर द लैंड होल्डिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल peasants. यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था इसमें जो revenue कलेक्ट किया जाएगा यानी कि ये जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम था ये परमानेंट सेटलमेंट में इस बात पर निर्भर करता था कि किसी किसान के पास कितनी ज़मीन है ऑन the अदर हैंड इन महलवाड़ी सिस्टम revenue was टू बी पेड by विलेज called महल जबकि महलवाड़ी सिस्टम में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो पूरे विलेज के हिसाब से लिया जाता था जिसको महल कहा जाता था इसके बाद सेकंड डिफरेंस अब देखेंगे हम किन दो चीजों के बीच में परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम के बीच में इन परमानेंट सेटलमेंट द रिवेन्यू वॉज फिक्सड एंड देर वॉज नो प्रोविजन ऑफ एनी रिविजन इन फ्यूचर वेयर एज इन द मेहलवाड़ी सिस्टम द रिवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज पेरियोडिकली यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया उसमें जो टैक्स कलेक्ट किया जाना था जो रिवेन्यू मिलना था कंपनी को वो फिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद वो फिक्स ही रहता था उसको चेंज नहीं किया जाता था लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में हर कुछ समय के अंतराल पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था जो रिवेन्यू जो प्रॉफिट मिलता था कंपनी को उसको हर कुछ समय के बाद रिवाइज किया जाता था

टैक्स कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो विलेज हेडमैन की होती थी यानी कि पूरे गांव में एक हेड बना दिया जाता था उनका कोई टॉप अगर कह सकते हैं टॉप ऑफिसर बना दिया जाता था जो विलेज का हेडमैन होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी महलवाड़ी सिस्टम में टैक्स कलेक्ट करने की जबकि परमानेंट सेटलमेंट्स में टैक्स कौन कलेक्ट करते थे जमींदार्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू यानी कि ये जो मुनरो सिस्टम आया था जिसमें कि फिक्स रेवेन्यू कर दिया गया था कि ये फिक्स टैक्स है जो कि किसानों को देना ही पड़ेगा इसमें क्या दो प्रॉब्लम्स आई थी इस मुनरो सिस्टम में वो हमें बताना है तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे द रॉयट्स वर सपोज टू इम्प्रूव दियर लैंड्स यानी कि होता क्या था कि जो जमीनें होती थी इन पर कंपनी का कब्जा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था ये किसानों को जमीन देती थी खेती करने के लिए और इन किसानों को रायट्स कहा जाता था जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी किराए की जमीन पे काम करते थे तो इनसे ये उम्मीद की जाती थी कंपनी इनसे ये आशा करती थी कि ये ज़मीनों को बेहतर ढंग से रखेंगे इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे इम्प्रूव करेंगे लैंड को बट द डिड नाट लेकिन जो राइट्स थे वो ज़मीनों को इम्प्रूव नहीं कर पाए वो लैंड को इम्प्रूव नहीं कर पाए द सिस्टम सपोस्ड पेजेंट्स टू गेट चेंज इन टू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बट दिस डिड नॉट हैपन और ये जो मुंड्रो सिस्टम आया था इसमें कंपनी ये सोच रही थी कि जो पीजेंट्स होंगे ये जो किसान होंगे जिनको हम ज़मीनें दे रहे हैं खेती के लिए ये आगे तरक्की करेंगे और ये बड़े बड़े फार्मर्स एन एंटरप्राइजिंग फार्मर्स यानी कि ये बहुत बढ़िया तरीके के फार्मर्स बन जाएंगे लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ और कंपनी कोई ये एहसान नहीं कर रही थी उन उनपे वो उनका अपना ही एक मकसद था अपना ही एक प्रॉफिट था कि अगर ये किसान तरक्की करते हैं यहाँ पर ज्यादा खेती करते हैं अच्छी इनकी प्रोडक्शन होती है चीज़ों की फसलों की तो वो टैक्स सारा किन के पास जाना था वो कंपनी के पास ही तो जाना था तो ये सब सोचकर उन्होंने सोचा था कि चलो ये जब अच्छी ज़मीन को अच्छा कर देंगे अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमें भी टैक्स ज़्यादा मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सेकेंड पॉइंट जो इस मुंड्रो सिस्टम में था देखिए वहाँ क्या हुआ फिक्स टू हाई रिवेन्यू डिमांड यानी कि जो किसानों को जमीन दी गई खेती के लिए उनसे टैक्स उनसे मांगा गया बेचारे परेशान हो गए इतना टैक्स वो दे ही नहीं पा रहे थे वर नॉट एबल टू पे दिस मच ऑफ रिवेन्यू और इतना सारा टैक्स इतना पैसा उन किसानों के पास देने के लिए था ही नहीं जिसकी वजह से ये मुन्ो सिस्टम जो था ये फेल हो गया था इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई वर रॉयड्स रिडक्टेंट टू ग्रो इंडिगो यानी कि जो किसान होते थे ये इंडिगो की खेती नील की खेती करने से ये दूर क्यों भागते थे ये नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो की खेती करें हम नील की खेती करें तो इसके पीछे क्या रीजन था तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द रॉयट्स वर रिडक्टेंट टू ग्रो ग्रो इंडिगो यानी कि अब हम वो रीजन देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये किसान इंडिगो की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे पहला point. देवर गिवन लोन्स टू ग्रो क्रॉप्स बट वेन क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड देवर कम्पेयर टू सेल दैम एट लोअर प्राइजेस यानी कि इनको लोन दिया जाता था उधार दिया जाता था इंडिगो की खेती के लिए इंडिगो की फसल उगाने के लिए लेकिन जब फसल उग जाती थी खेती हो जाती थी तो इनसे कम दामों पर वो खेती वो फसलें खरीदी जाती थी यानी कि जितना पैसा किसानों को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता था विद दिस प्राइज देवर अनेबल टू पे लोन्स और इतने पैसों में वो अपना लोन चुका नहीं पाते थे दस फेल इन टू cycle ऑफ indebtedness, यानी कि इससे वो उधार के बोझ तले दबते चले जाते थे उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाता था सेकेंड पॉइंट दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ दियर लैंड यानी कि उनके पास जो टोटल जमीन होती थी उसके एक फिक्स पार्ट पर तो जबरदस्ती उनसे इंडिगो की खेती कराई जाती थी सो फॉर अदर क्रॉप्स दे हैड स्मॉल पीस ऑफ लैंड लेफ्ट और जो दूसरी खेती उनको करनी पड़ती थी चावल की गेहूं की जो खाने पीने की चीज़ों की खेती थी उसके लिए जमीन कम पड़ जाती थी हैंस दियर फूड ग्रेन्स नीड्स वर नॉट मेट वेद इससे उनके खाने पीने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी अब कंपनी को तो अपना प्रॉफिट चाहिए था वो कहते थे कि इंडिगो की खेती करो और इनको अपने खाने पीने का भी देखना होता था उसके लिए ज़मीन ही पूरी नहीं होती थी तो ये परेशान हो जा इसके बाद थर्ड पॉइंट है इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लेबर एंड टाइम यानी इंडिगो की खेती के लिए ज्यादा मेहनत लगती थी ज्यादा समय लगता था सो so देट अब सारा टाइम सारी मेहनत तो इंडिगो की खेती में चली जाती थी इन किसानों की तो जो इनके जो दूसरी क्रॉप्स होती थी चावल की गेहूं की क्रॉप्स खाने पीने की चीजों की जो क्रॉप्स होती थी उनके लिए इनके पास समय ही नहीं बचता था इन किसानों के पास इसीलिए ये इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे चौथा फोर्थ पॉइंट ऑल्सो द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो रिक्वायर्ड द मोस्ट फर्टाइल लैंड यानी इंडिगो की खेती के लिए फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती थी द लैंड लेफ्ट वर नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स यानी कि सारी उपजाऊ ज़मीन के ऊपर तो कंपनी वाले ज़बरदस्ती क्या करते थे इंडिगो की खेती करवा लेते थे तो बाकी की खेती बाड़ी के लिए खाने पीने की चीज़ों की जो खेती होती थी उसके लिए अच्छी ज़मीन बचती ही नहीं थी ये सब रीज़न थे जिसकी वजह से जो किसान थे ये इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है वट वर द सर्कमस्टांसेस विच रेड टू द इवेंचुअल क्रैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बेंगाल यानी बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहां पर इंडिगो प्रोडक्शन नीर की खेती बिल्कुल खत्म हो गई किसानों ने नीर की खेती कर, करना ही वहां पर बंद कर दिया बंगाल में ऐसा क्या हुआ था तो पहला पॉइंट या पहला रीजन क्या था द इंडिगो कल्टीवेटर्स इन बंगाल वर गि लोन्स बट फॉर दैट दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25 परसेंट ऑफ द एरिया अंडर दियर होल्डिंग्स यानी कि बंगाल में जो किसान होते थे उनको लोन दिया जाता था इंडिगो की खेती के लिए और यह शर्त रखी जाती थी कि जितनी भी उनके पास जमीन होगी उसके 25 परसेंट हिस्से पर वो सिर्फ और सिर्फ आ, इंडिगो की ही खेती करेंगे यानी कि एक तरह से उन्हें मजबूर किया जाता था कि आपकी जमीन के इतने हिस्से पर तो इंडिगो की ही खेती होगी नील की ही खेती होगी सेकेंड पॉइंट द प्लांटर्स प्रोवाइडेड ओनली सीड एंड ड्रिल और प्लांटर्स यानी कि जो किसान होते थे इनको सिर्फ सीड दिए जाते थे और ड्रिल करने के लिए कुछ औजार दे दिए जाते थे द रेस्ट ऑफ द वर्क हार्वेस्टेड टू बी डन बाय और बाकी का सारा काम पूरे साल यानी जितना भी उनको खेती बाकी की करनी है वो किसानों को खुद अपनी मेहनत से अपने दम पे करनी होती थी सारी मेहनत उनकी होती थी और उनको इतना प्रॉफिट भी बाद में नहीं होता था जो अभी हम देखेंगे थर्ड पॉइंट द प्राइस द रॉयट गॉट फॉर दियर इंडिगो वॉज वेरी लो और जब इंडिगो की खेती हो जाती थी नील की खेती हो जाती थी तो उसके लिए इन किसानों को पैसा भी बहुत कम दिया जाता था जबकि पहले इनके ऊपर बहुत कर्जा होता था दे हैड टू टेक लोन्स टू रीपे दियर प्रीवियस लोन्स फिर पिछले उधार को चुकाने के लिए नया उधार नया लोन लेना पड़ता था दस द साइकिल ऑफ लोन्स वॉज नेवर एंडिंग तो ये जो एक लोन का एक चक्कर सा चल पड़ा था ये साइकिल चल पड़ा था खत्म ही नहीं हो रहा था हर बार इनको नया लोन लेना पड़ता था और लोन इनके ऊपर बढ़ता ही जा रहा था फोर्थ पॉइंट द प्लांटर्स यूजली इंसिस्टेड दैट इंडिगो शुड बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोयल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेटेड राइस अब इन किसानों के ऊपर ये भी दबाव डाला जाता था कि जो इंडिगो की खेती तुम करोगे जो नील की खेती तुम करोगे तुम्हारे पास जो ज़मीन है उसमें सबसे बढ़िया हिस्से पर तुम्हें नील की खेती करनी है जबकि किसान ये चाहते थे कि ज़मीन के सबसे बढ़िया हिस्से पर सबसे फर्टाइल हिस्से पर हम राइस वगैरह उगाएं लेकिन इनको मजबूर किया जाता था इंडिगो की खेती के लिए इसीलिए ये इंडिगो की खेती धीरे धीरे बंगाल से खत्म हो गई फिफ्थ पॉइंट द इंडिगो क्रॉप्स एग्जॉस्टेड द सॉयल रेपिडरी यानी जो नीर की खेती होती थी ये जमीन से न्यूट्रिय को बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींच रहती थी यानी अगर ज्यादा नीर की खेती की जाए इंडिगो की खेती की जाए तो थोड़े समय के बाद वो जो जमीन होती थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी बेकार हो जाती थी आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट पी सोन विद राइस राइस और जैसे जब आप वो एक जगह पे इंडिगो की खेती करते हैं तो उसके बाद वहां पे राइस या दूसरी खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वो जमीन ही खेती के लिए अच्छी नहीं रहती These were certain circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal. तो ये सब रीजन जो हमने देखे फाइव रीजन हमने देखे इन सब reasons की वजह से बेंगोल में जो इंडिगो प्रोडक्शन थी वो खत्म हो गई किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया खत्म कर दिया आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू